पुलिस द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया गया। पठानकोट के घरोटा में हुई कत्ल मामले को पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से 12 बोर की राइफल बरामद की गई है, जिससे आरोपी द्वारा कत्ल को अंजाम दिया गया था। कुछ दिन पहले घरोटा में लाभ सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी से दोषी फरार थे। पुलिस द्वारा कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कत्ल की वारदात में शामिल हुआ दूसरा व्यक्ति अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि दूसरे व्यक्ति को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो वाकया 15 तारीख को 15 मार्च को सामने आया था कि थाना सदर में करोटा खुर्द में एक व्यक्ति लाभ सिंह की लाश मिली थी और उसके जो बेटे हैं करण उसके बेटे हैं उसके जो बयानों पे 302 का मुकदमा ये है अननोन के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। उस संदर्भ में जो थाना सदर पुलिस और CIA दोनों के द्वारा तफ्तीश की गई, उस तफ्तीश में सामने आया कि जो लाभ सिंह का एक दोस्त है उसका भाई है करण सिंह, जो गंधरा लड़ी थाना सुजानपुर का रहने वाला है, उसका अपने भाई के साथ ज़मीन का झगड़ा था। उस संदर्भ में करण सिंह को ये शक था कि जो लाभ सिंह है वो उसका उसके भाई के जो आपस में ज़मीन के झगड़े हैं उसमें राजीनामा नहीं होने देता है, तो ये उसकी एक रंजिश थी। इसी रंजिश के तहत उसने 14 और 15 तारीख की रात को एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने जो 12 बो की जो एक 12 बो से उसका कत्ल कर दिया, जिसमें बाद में दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति अरुण कुमार भी उसके साथ इसमें मौजूद था। तो 30 तारीख को हमने पिंड नाला मोड़ से जो मेन अक्यूज्ड है करण सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया। एक दो दिन में आपको इस संदर्भ में सूचना मिल जाएगी। हम कंटिन्यूसली रेड करवा रहे हैं सो दैट कि जो सेकंड जो को अक्यूज्ड है उसको भी गिरफ्तार कर ले, तो एक दो दिन में हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस संदर्भ में जो करण सिंह ने जो बयान दिया है जो अपने जो ट्रेसिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ये वेपन 12 बोर का जो एक 12 बोर का एक वेपन मिला है, साथ में जो जिससे इन्होंने कत्ल किया था उस संदर्भ में जो उसका खोल है खोल भी उसकी जो उसके जो बयान है उसके बयान मुताबिक पुलिस ने वो रिकवर कर लिया, तो वेपन और खोल दोनों रिकवर हो चुके।